अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं टुडे टॉप ऑफर। आज की इस वीडियो में जो गाड़ी फॉर सेल है वो है टोयोटा क्रोला XLi का 2009 मॉडल। दोस्तों ये गाड़ी आपको बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में देखने को मिल रही है और कीमत इस घर की कंडीशन के हिसाब से बहुत कम डिमांड की जा रही है। दोस्तों इस घर की कीमत क्या है और इस घर को आप कहाँ से खरीद सकते हैं और इस घर को खरीदने के लिए इस घर के मालिक से कैसे रब्ता कर सकते हैं, ये सारी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखते रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है की अगर आप मजीद ऐसी वीडियो सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा ले ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों ये गाड़ी टोयोटा क्रोला XLi का 2009 मॉडल है। अगर हम इस गाड़ी के इंजन कैपेसिटी की बात करें तो ये गाड़ी 1300 सीसी इंजन कैपेसिटी के साथ आती है। जबकि दोस्तों अगर गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों अगर गाड़ी की फ्यूल टाइप की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों पर वर्किंग है। जबकि दोस्तों अगर गाड़ी की माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 1,11,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी आपको काफी नीट क्लीन देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर गाड़ी के कलर की बात करें तो ये गाड़ी ब्लैक कलर में मौजूद है। कलर कंडीशन इस गाड़ी की आप देख सकते हैं कि बहुत ही आउट क्लास है और कलर वाइज भी गाड़ी में किसी किस्म का कोई बस्ता नजर नहीं आ रहा। गाड़ी का कलर फ्रंट से बैक से जबकि दोनों साइड से काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी के टायर्स भी काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद है और साथ में गाड़ी के टायर्स में अलॉय व्हील्स नजर आ रहे हैं जो की गाड़ी की खूबसूरती और परफॉर्मेंस में इजाफा करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो गाड़ी बाहर वाली साइड से काफी जबरदस्त कंडीशन में मौजूद है और बाहर वाली साइड से गाड़ी में किसी किस्म का कोई मसला नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर भी आपको काफी नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाता है। इंटीरियर वाइज भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद है। जबकि दोस्तों इस गाड़ी की सीट्स भी काफी नीट एंड क्लीन और कंफर्टेबल है और अच्छी पोशाक के साथ गाड़ी की सीट्स देखने को मिल रही है। इंटीरियर वाइज भी देखा जाए तो दोस्तों गाड़ी काफी नीट एंड क्लीन है और किसी किस्म का कोई मसला नजर नहीं आ रहा। दोस्तों अगर हम ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो गाड़ी अंदर और बाहर दोनों तरफ से वेल मेंटेन है और किसी किस्म का कोई मसला देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि गाड़ी का इंजन सस्पेंशन 100% ओके है और ये गाड़ी सेकंड ओनर है और इस गाड़ी की अंदर वाली फैट टोटल जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है जबकि बाहर वाली से सिर्फ एक डोर को शावर करवाया गया है और इस गाड़ी में न्यू टायर्स के अलावा न्यू अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाए गए हैं। दोस्तों इस गाड़ी के मालिक का मजीद कहना है कि यह गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है और इस गाड़ी में फोग लाइट इंस्टॉल करवाई गई है और इस गाड़ी की ओरिजिनल बुक फाइल भी अवेलेबल है। दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर ये गाड़ी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों इस गाड़ी की कीमत बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस गाड़ी से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस गाड़ी को आप अपनी जिम्मेदारी पर खरीद सकते हैं। इस गाड़ी को खरीदने के लिए इस गाड़ी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक पर क्लिक करके इसके मालिक से आसानी रब्ता करके गाड़ी को खरीद सकते हैं। अगर लिंक पर क्लिक करने से आपको कोई गाड़ी शो नहीं होती तो समझ जाइएगा ये गाड़ी सेल हो चुकी है। दोस्तों कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले इसके कागजात को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया करें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना हो। दोस्तों ये गाड़ी लाहौर की रजिस्टर्ड है और इस टाइम लाहौर में ही मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों अगर गाड़ी की डिमांड की बात की जाए तो उस गाड़ी की डिमांड 16,50,000 रुपए है जो की आप बार्गेनिंग के जरिए मजीद कम करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।